Hello and welcome to Prep IAS. My name is Tushant Yadav and today we are going to cover two small concepts, fiat money and legal tender. तो आज हम समझेंगे छोटी वीडियो में कि fiat money क्या होता है और legal tender हम किसे कहते हैं. Economic concept की सीरीज में हम economy के बहुत मोटे मोटे concept को छोटी छोटी वीडियोस में present कर रहे हैं. I hope कि आपको पसंद आ रही होंगी. आइए समझते हैं fiat money क्या होता है. अच्छा, अगर आप fiat money बोलें या आप paper money बोलें या token money बोलें, एक ही बात आप बोल रहे हैं, ठीक है. अब किसी भी मनी को फिएट मनी हम कब कहेंगे, इसके लिए आपको दो कंडीशंस को मेट करना पड़ेगा. ऊपर देखिए भाई, फिएट मनी को दो कंडीशंस को मेट करना पड़ेगा. पहला कंडीशन क्या है, उसको किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो कॉइन के फॉर्म में होना चाहिए, या करेंसी नोट के फॉर्म में होना चाहिए, या वर्चुअल करेंसी भी हो सकती है. तो अभी तक आप समझते थे, पहले के जमाने में हम ये समझते थे कि कॉइन्स के फॉर्म में हो सकता है मनी, या करेंसी नोट के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन अब तो वर्चुअल करेंसी भी हो सकती है, क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है ना. ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए. अच्छा, अगर ये क्राइटेरिया मेट हो रहा है तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दैट मनी शुड बी इश्यूड बाई अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, किसी एक सक्षम अथॉरिटी ने उसको इशू किया हो. हमारे केस में क्या है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, नोट्स को प्रिंट करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन्स को मिंट करता है और एक रुपए के नोट को प्रिंट करता है. अच्छा, तो यहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या हुआ इंडिया के केस में, गवर्नमेंट एंड आरबीआई. और आरबीआई नोट में लिख के क्या देता है आपको, अगर 2000 की नोट अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो वहां पर लिख कर देता है, वो आपको एश्योरेंस भी देता है कि मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, शक्तिकांत दास, गवर्नर साहब के साइन भी होते हैं, आई प्रॉमिस टू पे द बीरर द सम ऑफ 2000 रुपीज. यानी अगर आपके पास ये 2000 की नोट है, कोई लेने से इनकार कर रहा है, अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी है, आप गवर्नर साहब के पास जा सकते हो और आप उससे कह सकते हो कि 2000 की वैल्यू वाली कोई और चीज दे दो, 500 रुपए के आप 4 नोट दे दो, या 100 रुपए के आप 20 नोट दे दो, वो आपको उतनी वैल्यू के नोट्स आपको प्रोवाइड कर देगा. यानी आपकी इतनी वैल्यू जो है वो सुरक्षित है उसके पास. आप समझ रहे हैं इस चीज को. तो क्यों ये जरूरी है कि फिएट मनी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू की हो, ताकि एक सेंट्रल अथॉरिटी आपको ये प्रॉमिस कर सके. आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं, आप इस चीज को फील कर पा रहे हैं. तो फिएट मनी होने के लिए मनी को दो क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन करेंसी नोट्स और वर्चुअल करेंसी, एंड इट शुड बी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. अगर ये दो क्राइटेरिया बिल्कुल मैच हो रहे हैं, दैट मींस दैट मनी इज फिएट मनी. तो उस मनी को हम बोलेंगे फिएट मनी. तो अच्छा, लीगल टेंडर क्या है, यही से समझना बहुत आसान है. लीगल टेंडर को दो कंडीशन मेट करनी पड़ेगी. पहली कंडीशन ये है कि उसको फिएट मनी होना चाहिए, दैट मींस कि कोई भी मनी जिसको लीगल टेंडर आप बोल रहे हो उसको फिएट मनी होना चाहिए, दैट मींस कि उसको कॉइन करेंसी वर्चुअल करेंसी के फॉर्म में होना चाहिए और उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया हो, यानी फिएट मनी होना चाहिए. और दूसरा, उसको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है ट्रांजेक्शन के लिए. यानी अगर आप आलू वाले के पास गए और अगर आपने 100 रुपए की नोट दी, जो कि लीगल टेंडर है इंडिया में, रुपया इज अ लीगल टेंडर इन इंडिया, 100 रुपए की नोट देकर अगर आपने आलू खरीदे, तो आलू वाला भैया ये नहीं कह सकता है कि मैं ये 100 रुपए की नोट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, वो रिफ्यूज नहीं की जा सकती है. यानी लीगल टेंडर वो मनी है जो फिएट मनी है और उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं. इस डायग्राम से आप दोनों को इंटरकनेक्टेड वे में समझ सकते हो. तो फिएट मनी समझ गए आप, और लीगल टेंडर क्या है, दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, उसको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए, दैट मनी इज लीगल टेंडर. तो अगर लीगल टेंडर हटाना है तो उससे क्या होता है, उससे हम डीमोनिटाइजेशन करते हैं. डीमोनिटाइजेशन हम करना पड़ता है, जैसे कि हमने नवंबर में डीमोनिटाइजेशन भी किया था, जिसे हम 500 रुपए की नोट और 1000 रुपए की नोट हमने बंद कर दी थी. दैट मींस कि दैट 500 रुपीस एंड 1000 रुपीस इज नॉट अ लीगल टेंडर एनी मोर. अब उसको लीगल टेंडर से हटा दिया गया है, इकोनॉमी का डीमोनिटाइजेशन कर दिया गया है. तो जब आरबीआई करेंसी नोट प्रिंट करती है तो इकोनॉमी का मोनिटाइजेशन होता है, जब उसको वो वापस ले लेती है, लीगल टेंडर से हटा देती है, दैट मींस कि इकोनॉमी का डीमोनिटाइजेशन भी हो गया. तो आज आपने चार टर्म समझ लिए, व्हाट इज फिएट मनी, व्हाट इज लीगल टेंडर, व्हाट इज डीमोनिटाइजेशन एंड व्हाट इज मोनिटाइजेशन. ऑल द बेस्ट टू यू. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. नमस्ते. जय हिंद.